हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल ऑल द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनल टुगेदर कंसिस्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में आज के वीडियो में नॉलेज लेने वाले हैं। ठीक है तो दोस्तों, तो आप देखिए इसमें 11 है, 11 भी कहते हैं। तो 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम है जो कंपोज द ह्यूमन बॉडी का करता है। तो इसमें जो सिस्टम लेवल सिस्टम जो होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, मसल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, लाइम्फेटिक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डायग्नोस्टिक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा एंट्रोजर्मेट्री सिस्टम। तो इसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या हम लोग मतलब क्या उसको फिगर देके मतलब फोटो उसको शो करके दिखाता हूँ, जिसमें आप लोग अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इंट्राजर्मेट्री सिस्टम जो होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो जो इंटा इंटा जो ज्योमेट्री होता है सिस्टम, इसमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक हेयर होता है, स्किन होता है, नेल्स होता है। जो इंट्रा इंट्रा इंटा ज्योमेट्री सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हेयर, स्किन और नेल्स होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं इंटा ज्योमेट्री सिस्टम में। देखिए इनको इनको हम बोल सकते हैं इनक्लोज इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर साइट ऑफ मेनी सेंसरी रिसेप्टर। तो हम लोग क्या होता है, जो स्किन होता है, एयर होता है और नर्व्स होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं इंटरजर्मेट्री में। कोई पूछ दिया आपसे कि इंटरजर्मेट्री सिस्टम क्या है, इसका इंटरनल मतलब एग्जांपल दीजिए, तो आप ये बोल सकते हैं कि स्किन होता है, हेयर होता है, नर्व्स होता है। ठीक है, अब ये बात किया जाए स्केलेटल सिस्टम का, तो स्केलेटल सिस्टम होता है बोन्स। देखिए सपोर्ट द बॉडी इनेबल मोमेंट विथ मसल सिस्टम, क्या होता है मोमेंट करने के लिए